सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है, अपने साहेब से मिल रहिए, जो काहू की भली न आवे बुरी काहे को कहिए। जो कोई संत मिले बड़ भागे, सुख दुख उनसो कहिए। जो कोई बादी बाद बढ़ावे, मौन हो चुप रहिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित्र धरिए। सारी पंक्तियाँ बिल्कुल सरल है। अपने साहेब से मिल रहिए, सतगुरु कहते हैं कि ऐ साधकों, तुम अपने साहेब से मिल करके रहो। अब साहेब कौन, जिनसे मिलकर रहना है? साहेब का अर्थ स्वामी, मालिक, परमात्मा, सदगुरु, आत्मा, कहीं भी लगा लो प्रसंग अनुसार से। यहाँ साहेब है हमारे मन की शांति, हर समय मन का शांत और प्रसन्न रहना, यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहर क्या मिला, क्या छूटा, क्या हमने पाया, क्या हम खोए, इस सब बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आते रहेंगे, न कोई बचा है इनसे, न कोई बचेगा। इन्हें हम रोक नहीं सकते, इनका आना हमारे हाथों में, अधिकार में नहीं है। हमारे हाथों में, अधिकार में सिर्फ इतना है कि जो बाहरी द्वंद्व आते हैं, उतार चढ़ाव, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इनमें हमारा मन विचलित ना होने पाए, हमारा मन विचलित हो जाता है। ये मन का विचलन, ये हमारी कमजोरी है। बाहर में तो कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पता नहीं कैसी कैसी क्या क्या स्थितियाँ आती हैं, घटनाएँ घटती हैं, लेकिन आंतरिक शांति हमारी अक्षुण्ण रहना चाहिए। गुरुदेव जी के प्रवचनों में आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, और सुना क्या होगा, ये तो हकीकत है, सब जानते हैं। समुद्र की ऊपरी सतह पर कभी शांति नहीं रहती, लहर पर लहर उठती रहती है। ऐसा लगता है कि समुद्र एकदम शुद्ध है, लेकिन समुद्र के आंतरिक सतह पर हलचल नहीं है। बस हमें उदाहरण यही लेना है। जीवन के ऊपरी सतह पर तो हलचल रहेगी ही रहेगी,
ये हलचल आंतरिक सतह पर ना आने पाए। हम जो कुछ करते हैं उन सब का परिणाम यही होना है। हमारा जो मानस जगत है, मानस स्थल, वो क्षोभ रहित हो। मन का हर समय क्षोभ रहित रहना, यही अपने साहेब से मिल करके रहना है। ये अपने साहेब से, अपने गुरु से, अपने स्वामी से, अपने परमात्मा से, आत्मा से मिल करके रहना, चाहे जिस शब्द से कह लो। चाहे गुरु पूजा करो, चाहे आत्म पूजा करो, चाहे बाहर मूर्ति पूजा करो, चाहे अलग निराकार की पूजा करो, परिणाम क्या होना चाहिए? क्षोभ रहित मन, हलचल रहित मन। और फिर इसके बाद और क्या चाहिए? इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? फिर तो साहब कहते हैं अपने साहेब से मिल रही है। ए भाई साधकों, तुम अपने साहेब से मिलकर रहो। ये ढंग से चिंता मना करो, ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे मन की शांति अक्षुण बनी रहे। जो काहू की भली ना आवे, बुरी काहे को कहिए। यदि तुमसे किसी की भलाई करते नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बुराई क्यों कर रहे हो? किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, निंदा क्यों कर रहे हो? उससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? हम किसी कि भलाई ना कर सकें। भलाई करना, सेवा करना मानवता मनुष्यता मनुष्य का धर्म है। अनेक लोगों से हमें सेवा सहकार मिलता है तो हमारा भी धर्म बनता है, जो कुछ हो सके हम भी सेवा सहकार कर दें। लेकिन जीवन में हम किसी की कोई सेवा नहीं कर पाए, किसी की किसी प्रकार कोई हम भलाई नहीं कर पाए, उससे हमारा नुकसान नहीं होने वाला है, उससे हमारे कल्याण में बाधा नहीं पड़ेगी, उससे जीवन नहीं बिगड़ेगा। जीवन बिगड़ेगा किसी की बुराई करने से। भलाई नहीं हो सकती, मत करो। लेकिन आदमी बुराई करने के लिए कमर कस के तैयार रहता है। और जितने हम दूसरों की बुराई करते जाते हैं, उतनी मात्रा में हमारी अपनी बुराई, हमारा उतना बिगाड़ होता चला जाता है। लेकिन दृष्टि ही नहीं है वहाँ पर, बात समझ में आती ही नहीं है। साहब कहते हैं तुम भला नहीं कर सकते, मत करो। कौन कह रहा है तुम्हें भला करने के लिए? कौन डंडा लेकर पीछे पड़ा हुआ है? बुरा क्यों करते हो? किसी के साथ बुरा करना अपने साथ अन्याय करना है, अपने साथ अपराध करना है, अपने को दंड देना है। और ऐसा दंड हर आदमी अपने आप को दे रहा है। बिन डांडे जग डांडिया सोरत पड़िया डांड, साहब ने कहा बिना किसी के दंड दिए आदमी दंडित हो रहा है। क्यों?
दूसरों की बुराई कर करके, दूसरों का अपकार कर करके। कोई हमारे साथ अपकार नहीं करता है, एक भी आदमी हमें जानबूझ करके तकलीफ नहीं देता है, चाहे साथ में रहने वाले हों चाहे बाहर के लोग हों, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा, हमारा अपकार नहीं कर रहा है। इसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं? कोई हमारा अपकार करता, हमारी बुराई करता, हमारा काम बिगाड़ता, हमारी हानि करता, तो कहते भाई इन कारणों से मैं दुखी हूँ, इन कारणों से मैं परेशान हूँ, लेकिन कोई नहीं कर रहा है, इसके बाद भी हम परेशान क्यों हैं? इसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम स्वयं अपने को परेशान कर रहे हैं, अपने साथ बुराई हम स्वयं कर रहे हैं। लेकिन स्वीकार कौन करेगा इसको? लोग कहेंगे वाह साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, अपने साथ कोई अन्याय कैसे करेगा, कहाँ हम अपने साथ बुराई कर रहे हैं? बुराई नहीं कर रहे हो तो दुखी क्यों हो फिर? अपने साथ अपकार नहीं कर रहे हो तो मन उलझा उलझा क्यों, अशांत क्यों, परेशान क्यों है फिर? साहब यहां कहते हैं जो काहू की भली ना आवे बुरी काहे को कहिए। तुमसे किसी का भला करते नहीं बन रहा है, मत करो, बुरा काम क्यों कर रहे हो? किसी की निंदा चुगली बुराई क्यों कर रहे हो? उससे तो खुद का नुकसान है ना। किसी की बुराई करके, चाहे जबान से बुराई करके, चाहे शरीर इंद्र में बुराई करके, हम अपने साहेब से नहीं मिल रह सकते, मिल करके रह नहीं सकते। वो हमारी बुराई पर्दा बनकर खड़ी हो जाएगी हमारे और हमारे साहेब के बीच, हमारे हमारे शांति के बीच। बात बहुत छोटी है लेकिन इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसो कहिए। यदि सौभाग्य से कोई सच्चे संत मिल जाए तो उनसे मिलकर अपने मन के सुख दुख की बातें कह दो, मतलब उनके सामने अपने दिल को खोल कर, अपने मन को खोल करके रख दो। सच्चे संत का मिलना बड़े सौभाग्य का फल होता है। संत तो बहुत है, संत तो बहुत है। साहब ने जो कहा है, साधु साधु सब ही बड़े अपने अपने ठाव, मतलब बहुत सारे संत है ना, तो सभी संत अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं, किनको छोटा किनको बड़ा कहोगे? लेकिन शब्द विवेकी पारखी, शब्दों का जो विवेकी है, निर्णय करने वाला, ते माथे के सिरमौर, उस सिरमौर है। साधु तो बहुत मिल जाएंगे, संत वेद पर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे संत मिलना ये मुश्किल है। सच्चे संत की पहचान क्या है? जिसका अपना मन स्वस्थ हो, बस ये पहचान है। अनपढ़ है, विद्वान है कि बूढ़ा है कि जवान है, कोई मतलब नहीं होता। जिसका अपने आप पर, अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, वो सच्चे संत है, बस ये पहचान है।
सुखी संत मन जीत जो साहब ने की एक पंक्ति में आया है, जो मन को जीत लिया वो संत है, वही सुखी है सच्चे अर्थों में। और ऐसे संत मिल जाए तो सौभाग्य की बात तो है, भेदधारी तो बहुत मिलते हैं। और हो जाए मिले तब करना क्या है, सुख दुख उनसो कहिए। अपने मन का जो सुख दुख है उसे कह करके रहो। लोग आते भी हैं मिलने के लिए, तो परिवार सुख दुख की बात तो करते हैं लोग, चलो वो भी होता है कि भी यहाँ से रास्ता मिलेगा, परिवार में कोई उलझन है, पत्नी से, बच्चे से, पति से, बहू से, सास से और बच्चों से, जिस किसी भी हो, उन्हीं चर्चा लोग करते रह जाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि यहाँ से कोई उपाय मिलेगा, उसके लिए भी तो रास्ता पूछना है, लेकिन मुख्य रूप से ये पूछना है, अपना मन को खोल करके रखना पड़ेगा। संतों के पास आते हैं तो कितनी ऐसी बातें शेयर करते हैं संतों से, संतों या गुरु के सामने इतनी ऐसी बातें कहते हैं कि वे अपने घर सदस्यों से भी नहीं कहते, नहीं कह पाते, निकट से निकट संबंधी से भी नहीं कह पाते। संतों से या गुरु से कहते हैं, क्यों? पहली बात तो ये, इनसे जो हम कह रहे हैं ये बात यहीं तक सीमित रहेगी, अन्य जो सदस्य हैं चाहे परिवार वाले हों संबंधी हों, सोचते पता नहीं कब अनबन हो जाए और कब ये बात, हाँ जो गुप्त बात है दूसरों को बता दे, विश्वास नहीं करते लोग उन पर। और संत से सोचते हैं, संत से अनबन भी हो जाए यदि, तो कम से कम हमारे अवगुण को तो प्रकट तो नहीं करेंगे वो, पूरा विश्वास, एक विश्वास है उनके पर। और इस विश्वास को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी हो, कोई ऐसी गुप्त बात जो उसके व्यक्तिगत जीवन की बात हो, उसके पारिवारिक जीवन की बात हो, यदि कोई कह रहा है साधु से, संत से, गुरु से, तो साधु का ये कर्तव्य है कि उसको अपने तक ही सीमित रखे, पूरा पचा डाले, किसी से भी ना कहे, उसके परिवार के निकट से भी ना कहे, इसीलिए तो कह रहा है आपसे। और यदि कह दोगे ना तो साधु मात्र प्रति उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। तो पहली बात वहाँ पर साहब कहते हैं कि उनके प्रति विश्वास होता है कि यहाँ से बात यहीं तक सीमित रहेगी, आगे नहीं जाएगी। दूसरा उन्हें विश्वास होता है कि अपने मन की बात हम खोल करके रखेंगे तो सही रास्ता मिलेगा, एक समाधान मिलेगा। दुनिया के लोग तो अपनी समस्या से उलझे हुए हैं, और जो स्वयं उलझे हुए हैं वे दूसरों को क्या बताएंगे रास्ता सुलझने का। संतों के प्रति एक भावना है लोगों की, एक विश्वास है कि जो संत बताएंगे वो सही बात बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसो कहिए। सौभाग्य से सच्चे संत मिल जाए, आत्मजयी मनोनिग्रही, तो अपने मन की सारी बातों के सामने खोल करके रख दो, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। अच्छी बात है उसे भी प्रेरणा कहेंगे तो वहां से भी सीख मिलेगी, बुरी बात कहेंगे तो उसका भी समाधान मिलेगा। अपना मन खोलना पड़ता है, और हमारा ही मन नहीं खुला है, हमारे मन में ही गांठ है, तो फिर कोई हमें
अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाए, गया क्यों है? चिकित्सा करवाने के लिए। और डॉक्टर पास जाकर के डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें क्या क्या परेशानी है? अब हम ये सौंप लें, परेशानी तो बहुत है, तमाम तकलीफें हैं, लेकिन पूरी तकलीफ बता दूंगा तो डॉक्टर पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, अभी छिपा कर रख लेता हूँ, हमारा रोग दूर होगा, पूरी चिकित्सा हो पाएगी। पूरा का पूरा खोल कर रखना पड़ेगा डॉक्टर सामने। यदि कोई भी रोगी कुछ भी छिपाता थोड़ा सा भी, तो डॉक्टर पूरा इलाज नहीं कर पाएगा, वहाँ तो पूरा खोल करके कह देना पड़ेगा, चाहे वो रोग प्रकट हो तो और चाहे वो रोग गुप्त हो तो। तब डॉक्टर सारी बातें सोच समझ करके दवाई करेगा ना। ठीक यही बात सच्चे संत और गुरु के सामने यदि हम कल्याण चाहते हैं तो हमें रखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी को हम सच्चे संत या गुरु मान करके जिसके सामने कर ले, यहाँ सच्चे संत की बात कही जा रही है। जो कोई वादी बात बढ़ावे, चुप हो उनसे रहिए। जीवन है, जीवन यात्रा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं। कुछ लोग मिलते हैं केवल विवाद करने के लिए, केवल विवाद करने के लिए। क्या कहते हैं, तुम्हें ऐसा कोई विवादी मिल जाए तो उसे विवाद में मत पड़ो, वहां तो मौन होकर रहना ही शांति का रास्ता होगा। उसे जितना समझाओगे, उस विवादी का मतलब है जो समझना नहीं चाहता, जिसका काम केवल उलझाना है, विवाद बढ़ाना है, झगड़ा करना, कला करना, हराना है। समझने के लिए समझने का रास्ता अलग होता है। जो समझने के लिए पूछता है उसकी शैली कुछ अलग होती है, और जो विवाद करने के लिए पूछता है उसकी शैली कुछ अलग ही होती है। क्या कहते हैं, पहले उसकी मानसिकता समझ लो, को समझने के लिए कुछ पूछ रहा है या विवाद करने के लिए पूछ रहा है। एकाएक समझ में ना आए, दो चार मिनट बाद, दस मिनट बाद समझ में आ गई बात, तो वहां मौन हो जा। ये नहीं डरना है कि हमारी हार हो जाएगी, हार हो जाएगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। विवादी से हारना हार नहीं है, जीतना है। हार जाए तो कम से कम मानसिक शांति तो बनी रहेगी, समय तो बर्बाद नहीं होगा, और उसे तो विवाद करके हम चुप करा देंगे उन्हें, नहीं संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है ना कि बाजन दे बाजन दरी तुल का कुल की मत है, तुझे बिरानी क्या पर अपने आप निवेर। तो विवादी से मौन, यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। मौन, विवाद खत्म, कला खत्म, मन की शांति तो बनी रह गई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित्र रखिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे वैष्णव तो सुनो, गुरु के चरणों में
अपने चित्त को लगा करके रखो। गुरु के चरणों चित्त लगाने का मतलब क्या है? गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो उपदेश दिया है, उस ज्ञान उस उपदेश का बराबर मनन चिंतन स्मरण करते रहना, और जो संभव हो उस ज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण बनाना, उस ज्ञान पथ पर चलना, यही गुरु के चरण में चित्त रखना है। बाकी गुरु के चरण में चित्त रख कर क्या, वो विनम्रता के लिए भी जरूरी है, लेकिन असली चित्त रखना है गुरु ज्ञान के स्मरण, उस ज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण। जितना हम गुरु ज्ञान के स्मरण करेंगे और ज्ञान पूर्वक जीवन का आचरण होगा, उतना हम अपने साहेब से मिल करके रहेंगे, क्योंकि अनावश्यक बातें दिमाग में नहीं आएगी। क्योंकि मन को एक काम मिला हुआ है, मन गुरु ज्ञान में लगा हुआ है, तो संसारी प्रपंच की बातें मन में नहीं आएगी। अब प्रपंच बातें मन में नहीं आएगी तो शांति अपने आप बनी रहेगी। अब गुरु ज्ञान के स्मरण करना छोड़ दिए तो मन तो भटकने की आदत, बेकार बेकार बात सोचने की आदत है, उससे मन चंचल बनेगा, अशांत बनेगा, बहिर्मुख बनेगा, हानि करा कुछ मिलना नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं गुरु के चरण चित्र रखिए, गुरु के चरण चित्र लगा करके रखो, गुरु ज्ञान के स्मरण करो और गुरु बताए पथ पर चलो। जब ये दोनों हो जाएगा तो अपने साहेब से मिल रही है, फिर तो तुम्हारा साहेब तुम्हें हमेशा मिला रहेगा, तुम्हारे मन की शांति हमेशा बनी रहेगी। इस छोटे से पद में सद्गुरु कबीर ने मानसिक शांति के लिए और बाहरी विवाह से बचने के लिए बहुत सारी बातें सरल ढंग से बता दी है। बस हमारा काम है समझना और समझ करके जीवन में उतारने का काम करना।